मुझे ही पता चला कि आप भोले भाले लोगों को हिमाचल को ठगने आए। जब कोई वीजा लेने आता है तो आप ये बोलते हो कि पहले आपको स्पोकन इंग्लिश करनी है, आइल्स करनी है, ये तो पागल बनाने वाली बात ही हो गई। इस वक्त हम सोलन के राजगढ़ रोड पर है और सोलन के राजगढ़ रोड पर पहुंचे यहाँ पर रैंक वन कॉन्सेप्ट इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड में, और यहाँ पर क्या करते हैं जानते हैं अंदर आकर। गुड मॉर्निंग, यहाँ आपके ब्रांच मैनेजर से बात करें, यहाँ पर आओ चलते जरा बात करते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, लेकिन आप मुझे पता चला कि आप भोले भाले लोगों को हिमाचल को ठगने आए क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ आप नहीं है। आजकल जितने मुंह उतनी बातें, आप दे सकते हो कि हम भोले भाले लोगों को ठगने नहीं है। हमारे जो वीजा लगवाए हुए हैं हमने 10-10 दिन के अंदर, आप देख सकते हो। अच्छा, आप खुद देख सकते हो अपने हाथों से, ये वीजा हमने ही लगवाए हैं। लेकिन यहाँ पर जब कोई वीजा लेने आता है तो आप ये बोलते हो कि पहले आपको स्पोकन इंग्लिश करनी है, आइल्स करनी है, ये तो पागल बनाने वाली बात ही हो गई। क्योंकि बाहर जाने के लिए, आपको पता होगा, बाहर जाने के लिए सबसे पहले हमें आइल्स का पेपर क्लियर करना पड़ता है। बिना आइल्स के पेपर क्लियर किए बिना हम बाहर नहीं जा सकते, ये उनका फर्स्ट रूल होता है, प्रायोरिटी होती है कि आइल्स तो करनी ही पड़ती है। बट बच्चों को आइल्स करने से पहले उनकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, जैसे उनकी ग्रामर, वो कैब और उनकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। तो हम बच्चों को यही गाइड करते हैं कि पहले आप वन मंथ उनकी स्पोकन इंग्लिश क्लास लगाएं आप, और फिर देन उनको आइल्स करने के लिए हम उनको कहते हैं, ताकि बच्चों का बेस क्लियर हो तभी वो आइल्स इजीली कर सकते हैं। ताकि बच्चों का जो पेपर के पैसे हैं 15,500 रुपीज़ का पेपर है आइल्स का, तो खराब ना जाए। अगर वो सीधा डायरेक्ट कर लेंगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों का बेस प्रॉपर बने, इसलिए हम सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश देन उनको आइल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश में कितना टाइम लगाना पड़ेगा बच्चे को अगर बाहर जाना है? स्पोकन इंग्लिश में बच्चे के लिए 1 month इज सफिशियंट, और देन उसके बाद वो आइल्स के ऊपर प्रॉपर अपना फोकस करे। 2 month के अंदर अंदर उसका सारा आइल्स का पूरा तैयारी करवाएंगे हम, ठीक है। देन उसके बाद उसका पेपर हम यहीं से बुक करेंगे और पेपर देने वो जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही पेपर दे के आएगा वो हमारे से अपना वीज़ा अप्लाई करवाएं, हम उसका स्टडी वीज़ा लगवाएंगे, उसको बाहर भेजेंगे, अच्छी जॉब प्रोवाइड करेंगे, अच्छे कॉलेजेस प्रोवाइड करेंगे। अगर उसको बाहर जाके कोई दिक्कत आती है, जैसे कई बार जॉब्स नहीं मिलती, बेसमेंट्स नहीं मिलती, हम सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर बैठ के। लेकिन मैंने ये भी सुना कि आपकी और भी ब्रांचेज हैं। यस, हमारी लुधियाना में बहुत अच्छी ब्रांच है, माछीवाड़ा में ब्रांच है हमारी। तो अब हमने सोलन में इसलिए प्लान किया था क्योंकि हमने स्टडी की थी कि हिमाचल के बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनको चंडीगढ़ जाके करनी पड़ती है आइल्स। वहाँ पर उनके रूम का रेंट्स, खाने पीने का खर्चा, उनको मतलब 1 month का खर्चा 35,000 से 40,000 पड़ जाता है। तो हमने क्यों ना प्लान किया, क्यों ना हम सोलन में ही ऑफिस खोल लें, अपना खुद का यहाँ पर आइल्स की करवाएं क्लासेस, या जिससे क्या बच्चों का एक तो रूम लेना नहीं पड़ेगा, घर पर आ जा सकते हैं ईजिली। तो इसलिए हमने यही प्लान किया है। तो सोलन अब हमारी न्यू ब्रांच ओपन हुई है, तो हमारा अब यही है, जैसे लुधियाना और माछीवाड़ा में हमारे अच्छा चल रहा है, वैसे हम सोलन में भी। पर हमने ये देखा कि स्पोकन इंग्लिश के लिए या आइल्स के लिए काफ़ी सेंटर्स खुलते हैं, हिमाचल में भी बहुत खुले हैं, लेकिन वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद बंद करते हैं और चले जाते हैं, और उनके पास फैकल्टी अच्छी नहीं होती। हमारे पास तो पूरी फैसिलिटीज है, आप हमारी क्लासरूम्स वगैरह चेक कर सकते हो, प्रॉपर हेडफोन्स है, टीचर हमारे पास क्वालिफाई है, हमारे पास स्टाफ बहुत अच्छा है जो आपको अच्छे से गाइड करेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर। जो बाकी इंस्टीट्यूट्स के, हम मेरे को नहीं पता उनके क्या रूल्स है, बट हम, हमारा ये है कि अगर बच्चे ने हमें फीस पे की है तो हम उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। तो ये ऐसा तो नहीं भारी भरकम जो आप उनसे फीस चार्ज करेंगे अगर यहाँ पर आते हैं? बहुत कम फीस है, एक बार आप इंस्टीट्यूट में विजिट करवाएं, ठीक है, आप खुद आके देखेंगे कि इतनी फीस तो कहीं भी नहीं है। चंडीगढ़ में भी जाते हैं बच्चे 15,000 एक एक मंथ की फीस देते हैं, बट यहाँ तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा, कि गरीब से गरीब बच्चा और अमीर से अमीर बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है। यानी अगर किसी भी हिमाचल के लड़के ने जाना है, या कोई एज क्राइटेरिया भी है इसमें? एज क्राइटेरिया नहीं है, दो बच्चे अभी स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं तो आफ्टर +2 भी अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन भी अप्लाई कर सकते हैं। हम टूरिस्ट वीजा में भी डील करते हैं, अगर कोई एज जिसकी ज्यादा होती है उनका स्टडी वीजा नहीं लग पाता तो वह अपना टूरिस्ट वीजा लगवा सकते हैं हमारे से। तो ये कितना यानी टाइम लगता है टूरिस्ट वीजा के लिए, कि अप्लाई करेंगे तो कितने दिनों में आ जाएगा? अभी आपने देखा जो मैंने आपको टूरिस्ट वीजा दिखाया, ये सिर्फ हमारे 10-10 दिन के अंदर टूरिस्ट वीजा आए हुए हैं। 10 दिनों में? 10 दिन में आए हुए हैं सिर्फ टूरिस्ट वीजा ये।
और इसके अलावा जो स्टडी वीजा है उसके बारे में? स्टडी वीजा ऐसा है कि जो एम्बेसी टाइम लेती है वो 45 डेज का एम्बेसी टाइम लेती है, जब हम उस बच्चे की फाइल अपलोड कर देते हैं, आने को एक हफ्ते के अंदर भी हमारे वीजा आए हुए हैं, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 डेज, पर उससे पहले ही आ जाता है, विद इन 15 डेज 20 डेज में ही आ जाता है। जैसे ऑफर लेटर के लिए किसी ने अप्लाई करना होता है तो पहले 2-3 लाख रुपए मांगते हैं अगर नीचे जाते हैं, तो आप भी ऐसे ही करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ऑफर लेटर की फीस होगी $120 या $100 सिर्फ हमने वही लेनी है, वो अबाउट 6,000 से 7,000 रुपीज बनती है, तो हमारी जो फीस होगी वो हम आफ्टर वीजा ही लेंगे, हम पहले कोई फीस नहीं लेंगे, ठीक है, हम पार्ट टू पार्ट पेमेंट करेंगे, आपके ऑफर लेटर की पेमेंट आपसे लेंगे जिस दिन आपकी ऑफर लेटर आ गई उस दिन। अच्छा, वीजा के बाद में आप अपनी फीस लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पर जितने भी जो दर्शक है जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि वैसे तो अगर पंजाब में आप जाते हैं, चंडीगढ़ में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, और सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि अगर आपने बाहर जाना है तो पहले 2 लाख रुपए जमा कराओ, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात निकल कर आ रही है, ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं है, जो यूनिवर्सिटी की फीस है जो इन्होंने देनी है सिर्फ वही आपको पे करने की आवश्यकता है, और उसके बाद में जब आपका वीजा लग जाएगा उसके बाद में आपको रेस्ट ऑफ द मनी जो भी इनके चार्जेस हैं वो भी नॉमिनल चार्जेस ये बता रहे हैं वो आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल कम चार्जेस हैं, मतलब आप एक बार जब इंस्टीट्यूट में आओगे तो मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देता हूँ कि आप बिना वीजा लगवाए नहीं जाओगे यहाँ से। तो ये एक अच्छी बात है, अगर आपने वीजा लगाना है और आपने बाहर जाना है तो सबसे पहले तो आपको स्पोकन इंग्लिश करनी चाहिए, तो स्पोकन इंग्लिश की भी यहाँ पर जो कोचिंग है वो दी जा रही है, उसके बाद में आइस करें, और आइस जब आपकी हो जाएगी तो आप उड़ सकते हैं बाहर वाले देश, ठीक है, और यही जो सपना है और वो युवाओं का है, और युवा अब यहाँ पर आके अपना सपना पूरा कर रहे हैं, और काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर अब इनरोल हो चुके हैं और उनकी कोचिंग भी चल रही है, और फैकल्टी कैसे है वो ही जानेंगे, कैसी फैकल्टी है? बिल्कुल सर, आप मेरे साथ चलिए, अब मैं आपको अपने क्लासरूम का दिखा देता हूँ, कैसे मैम पढ़ाते हैं बच्चों को, पढ़ाने का ढंग, बच्चों से फीडबैक लेते हैं हम। हाँ बिल्कुल, एक्सक्यूज मी मैम, ये हमारी क्लासरूम है सर। ओके सर, बिल्कुल ये क्लास लग रही है, ये मैम हमारे आइल्स करवाते हैं, स्पोकन इंग्लिश भी मैम करवाते हैं, तो पूरा प्रॉपर सेटअप आप देख सकते हो, चेयर्स वगैरह, हेडफोन्स वगैरह प्रॉपर अवेलेबल है, हर चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है यहाँ पर, आप बच्चों से फीडबैक भी ले सकते हो। चलिए अब हम आ गए हैं अंदर और पूछते हैं यहाँ पर जो फैकल्टी है, और हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव? In IELTS, sir, I have also 10 years experience. 10 years? Yes, sir. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 years का experience है, वो यहाँ पर जो students को है वो पढ़ाया जा रहा है, और spoken English है वो बताई जा रही है। तो कितना time लगता है यहाँ पर जैसे बच्चे को prepare करने के लिए IELTS में, अगर उसने बाहर जाना है उस करना है, जैसे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। जी sir, to the maximum it takes 2 months. अच्छा, तो जो मैक्सिमम टेक्स 2 मंथ्स, लेकिन कई बच्चे हैं जो बिल्कुल ही मतलब जो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, इट कैन बी 3 मंथ्स ऑल्सो। ओके, रीजन बीइंग दैट दे आर नॉट फ्रॉम अ इंग्लिश मीडियम, बट दे हैव लिटिल डिफिकल्टीज, सो दे हैव टू फर्स्ट लर्न द स्पोकन इंग्लिश, एंड आफ्टर गोइंग टू द स्पोकन इंग्लिश दे हैव टू शिफ्ट फॉर द आइल्स। वैसे जो आपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहे हैं तो मैक्स यानी कि क्या ज़्यादा आपको लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़्यादा यानी कि जरूरी अभी तक तो व्हाट एवर बैचेस आई एम गेटिंग दे आर क्वाइट गुड बैचेस अभी, लेकिन एक दो बच्चे उसमें थे जिनको मतलब थोड़ा स्पेलिंग इश्यूज भी रहे हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉम एक्सट्रीमली फ्रॉम अ हिंदी मीडियम, दे हैव नेवर येट डन देयर इंग्लिश ऑल्सो, इन दैट केस वी हैव टू वर्क लिटिल हार्डर, इन दैट केस वी हैव टू वर्क लिटिल हार्डर, अदरवाइज बच्चों का जो है दे डोंट हैव अ writing problem, but they only have a speaking problem. They have got a hesitation problem, rather we can say. They have got a hesitation problem. इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे IELTS का जब टेस्ट देना होता है तो करीबन 15,000 रुपये की जो फी है वो हमें पे करनी होती है। जी सर, ठीक है, राइट। और उसके बाद में अगर यहाँ से जो स्टूडेंट है, मान लीजिए वो यहाँ से जाता है और रॉ होता है और वो वहाँ पर देता है, तो उसके 15,000 खत्म हो जाते हैं। जी सर, तो उसी के लिए ये जो बेस है ये बनाया जाता है, किस लिए स्पोकन इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? सर, स्पोकन इंग्लिश एक्चुअली ये है कि मतलब नॉट ओनली फॉर द आई एस आर जस्ट से कि IELTS के लिए ही स्पोकन इंग्लिश जरूरी है, इट इज़ फॉर एनी अदर कंपनी ऑल्सो दैट दे रिक्वायर फॉर, बिकॉज किसी मल्टीनेशनल में जाना है या कहीं भी जाना है, दिस डे यू मस्ट बी वेरी स्मार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो तो हो गया स्पोकन इंग्लिश के लिए, बट फॉर द IELTS वी टॉक अबाउट, तो इसलिए यह है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लेवल, वी स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लेवल, देन ओनली दे कैन कम अपडेट्स फॉर देयर IELTS एग्जाम्स ऑल्सो, बिकॉज IELTS इज लिटिल डिफिकल्ट दैट वॉट वी हैव डन इन द इंग्लिश।
तो अभी आपके पास कितना बैच है और कितने बैच को आप एक टाइम में पढ़ाएंगे? सर अभी वी हैव गॉट वन बैच एंड इन वन बैच वी हैव गॉट 10 टू 15 स्टूडेंट्स। हमने ज़्यादातर यहाँ पर देखा है जो आइल्स के कोचिंग सेंटर्स हैं तो वहाँ पर 50-50 की जो क्लास है वो लगाई जाती है, 100-100 की लगाई जाती है। क्या आपका भी ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि हाँ भी पैसे कमाने और नहीं 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 सर, इट इज़ नॉट द थिंग। द थिंग इज कि मतलब आर दे रियली अंडरस्टैंडिंग समथिंग? वी आर नॉट द पीपल फॉर अर्निंग द मनी ओनली, वी आर अप टू देयर मार्क्स। वी वांटेड दैट दे शुड लर्न समथिंग एंड यू नो अगर कोई बेटर बैच रहेगा, चाहे हम छोटे ही स्केल से क्यों ना स्टार्ट करें, छोटा ही बैच करा, अगर हमारे सारे बच्चे बाहर निकल जाएंगे देन रियली वी विल हैव द नेम एंड फेम। ठीक है ना जी, बहुत सारे बच्चे बिठाना है, कोई दिस इज नॉट अ क्लास रूम, दिस इज नॉट द क्लास दैट वी आर नॉट टीचिंग इन अ स्कूल, अदरवाइज तो दे आर बीन हैविंग अ स्कूल्स ऑल्सो। तो ये स्कूल नहीं है, दे आर कमिंग सो दैट कि मतलब ये है कि ये लर्न करते रहे। छोटा जितना बैच होगा बच्चे को कम हेजिटेशन होगी, दे हैव देयर ओन क्वेश्चंस ऑल्सो, व्हाट आर कमिंग इन देयर माइंड्स, दे कैन आस्क देयर क्वेश्चंस। हमारे चैनल के थ्रू आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को या जो भी बाहर जाना चाहता है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि यू प्लीज कम अटेंड द क्लासेस, वी आर गिविंग द फ्री डेमो क्लासेस ऑल्सो, यू कम एंड टेक द क्लासेस एंड वंस यू फील लाइक दैट इट्स प्रॉपरली गोइंग ऑन देन यू प्लीज कंटिन्यू विद अस सो दैट यू नीड नॉट हैव टू गो आउटसाइड। ठीक है, इट्स वेरी इजी दैट यू पीपल आर इन हिमाचल, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल टू एवरी टाइम यू हैव टू विजिट टू चंडीगढ़, इट्स बेटर टू बी हियर, हैव योर इंक्वायरीज एंड देन गो आउट। तो आपने यहाँ पर देखा कि सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये हो रही है कि डेमो क्लासेस भी दे रहे हैं। अगर आपने ये देखना है कि वाकई यहाँ पर अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, तो अपने जो कोई भी जो व्यक्ति है जो बाहर आइल्स करना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, वो यहाँ पर एक बार आकर देख सकता है और डेमो क्लास भी ले सकता है। और डेमो क्लास में ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की जो फैकल्टी है वो कैसी है और जो ये वायदे कर रहे हैं क्या वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, वो आप यहाँ पर आकर खुद जान सकते हैं। और तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक बार आना ज़रूरी है, आप एक बार आइए, नॉकिंग कीजिए और देखिए कि वाकई क्या जो ये क्लेम कर रहे हैं वाकई ये रियलिटी में भी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। एक जो स्टूडेंट है उससे भी बात कर लेते हैं और उनका क्या कहना कि वाकई फैकल्टी अच्छी है जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आइए, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज़ अक्षय। अक्षय, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या एम है आपका? Yeah. So basically I'm here for improve my spoken English. जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल private sector या government sector कहीं की भी बात करें तो English is compulsory. For clearing interview we need perfect English for communication. अगर हमने किसी से भी बात करनी है, foreign country की बात करें चाहे India की बात करें, तो एक जो आपकी professional language होती है वो English है, तो आपको वो perfect आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फैकल्टी है जो आपको पढ़ा रही है, क्या सेटिस्फाई हैं आप उनसे? Yes, और sir. क्या जितनी भी रिक्वायरमेंट आपकी है वो पूरी हो रही है या आपको चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा? नो सर, वी रियली लाइक द क्लासेस एंड द फैकल्टी इज वेरी गुड, दे प्रोवाइड अस वेरी बेसिक क्लासेस फ्रॉम जीरो टू टॉप लेवल, दे आर प्रोवाइडिंग अवर क्लासेस एंड वी प्रोवाइडेड हियर अ वेरी हेल्थी एनवायरमेंट। तो आप सेटिस्फाई हैं पूरी तरह से? यस सर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो भी खुश नज़र यहाँ पर आ रहे हैं और वो खुश इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो उनको वायदा किया गया था और जिसके लिए ये पैसे भी दे रहे हैं, चाहे वो छोटे हैं, कम हैं, ज़्यादा है, वो पूरे होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो पानी की तरह जो पैसा है वो बहाया नहीं जा रहा है, बल्कि यहाँ पर जो हार्ड एंड मनी है उसको यहाँ पर पूरा जो वैल्यू है वो दी जा रही है। तो और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी खुश हैं और जो फैकल्टी है वो आपने देखी, उनको यहाँ पर सुना भी है और साथ में यहाँ पर जो ब्रांच मैनेजर थे उनसे भी आपने बात की है और उनके जो दावे हैं वो भी यहाँ पर सच होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि हाँ कितने जो वीज़ाज़ हैं वो 10-15 डेज में उन्होंने हासिल कर लिए हैं और लगातार जो उनके कस्टमर्स हैं वो हिमाचल में भी बढ़ते जा रहे हैं। अब आपके लिए भी एक सुनहरी मौका है क्योंकि एक नया इंस्टीट्यूट है और नए लोग हैं यहाँ से आए हैं लेकिन एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी इनकी काफ़ी ब्रांचेज हैं वो चल रही है। अब देखना यही है कि जो हिमाचल के लोग हैं इनका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं।